हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज हम आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ चेक करेंगे और ये देखेंगे कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को करंट एनर्जीज़ में ही अच्छा लगता है कि वो करेंटली क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो मैं यही टॉपिक लेके आती हूँ। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक आता है कि मैं उस टॉपिक पे रीडिंग करूं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलिए मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूं। जब तक शफल कर रही हूं तब तक आप प्रे करिए कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए, और उसके बाद आपने अपने पार्टनर का नाम लेना है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, मतलब वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पार्टनर हैं हाल फिलहाल के लिए एक अफसोस में बैठे हैं। ठीक है, अफसोस हम ये कह सकते हैं कि मे बी आपने जिस तरीके से इन्हें दिया है इस रिलेशनशिप में, और इन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं करा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ों का अफसोस है, यानी कि काश मैं उस टाइम पे समझ लेता या समझ लेती तो ये हमारे बीच की दूरियाँ इतनी नहीं आती। या फिर आपके मन में अगर कोई डाउट्स थे अपने पार्टनर को लेकर, तो आपने जब भी अपने पार्टनर से क्लियर करा तो आपके पार्टनर ने आपको कोई भी एक सही जवाब नहीं दिया या फिर जवाब ही नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी दूरी पैदा करती चली गई। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि जब उस वक्त आपने इनसे कोई चीज़ पूछी थी या आपको कोई चीज़ परेशान कर रही थी तो ये आपसे पूछना चाह रहे थे, तो आपने जो इनसे पूछा तो आपके पार्टनर ने उस वक्त आपको जवाब क्यों नहीं दिया। काश मैं उस टाइम पे जवाब दे देता तो आज हमारे बीच में ये चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती, या फिर सेपरेशन नहीं आता, दूरियां नहीं होती। अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, क्योंकि टेन ऑफ सोर्ड्स है, बहुत पेन है इनकी अंदर, और बहुत सी चीज़ें ये आपसे बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, डेस्परेट हैं, मगर इन्हें समझ नहीं आ रहा है ये आपसे बात करें तो कैसे करें, आप तक पहुँचें तो कैसे पहुँचें, क्योंकि आई थिंक आपके पार्टनर ने बहुत सी चीज़ें बिगाड़ दी हैं या बहुत कुछ ऐसा किया है जिस चीज़ के लिए आप शायद अभी ने माफ़ नहीं करेंगे। इस सेपरेशन में आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं इतना जाना है कि आप स्ट्रांग हो गए। ठीक है, बहुत स्ट्रांग हो गए, जिस चीज़ को लेके ये आज बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, क्या आप इतना स्ट्रांग हो कैसे सकते हैं, ये शॉकिंग में गया हुआ है आपके पार्टनर का। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, कैसे भी देख रहे हैं, अब स्टॉक कर रहे हैं, किसी भी तरीके से स्पाई कर सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू अगर नहीं है तो ये सोशल मीडिया के थ्रू, अगर वो भी नहीं है तो फेक आईडी, फेक नंबर से कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग चल रही है आपकी। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल चाहते हैं न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, यूनिवर्स से, जैसे कहते हैं ना, हम कई बार खुद से क्वेश्चन आंसर करते हैं कि जैसे टू फिंगर्स है, इसमें से कोई एक चूज़ करो, ऐसे कई बार होता है ना हमारे मन में, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी ना ऐसी स्थिति में हैं कि मुझे यूनिवर्स कोई साइंस दें, इस तरीके की सिग्नल्स दें कि मैं समझ जाऊं कि हाँ आप भी आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि आज भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, ये सिग्नल इन्हें मिल जाए। अब कहीं ना कहीं आपसे पैचअप करना चाहते हैं, और मे बी शायद आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, जैसे टैरो रीडर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, हीलर्स होते हैं, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर ऐसी गाइडेंस ले रहे हैं किसी ना किसी तरीके की। ये भी चांसेस हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में कि आपके पार्टनर किसी तरीके का स्पेल वर्क आपके ऊपर करा रहे हो, कि आप
जैसे कहते हैं ना, कहीं पर अगर ब्लॉकेजेस हैं, आप इन्हें नहीं आने दे रहे हैं, तो आप वो रास्ता ओपन कर दें इनके लिए, वो ब्लॉकेजेस खड़े ना हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी ये चीज़ें दिख रही हैं। क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं यहाँ पर। और फोर ऑफ कप्स क्यों आया है? फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर, मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं इस गिल्ट में है, या ये सोच ज़रूर रहे हैं कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो वाकई में गलत किया। आपको तब क्यों नहीं समझा जब आपने इनसे कोई प्रश्न किए थे, तो उसका इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया आपको? ये चुप क्यों हो गए? और चुप्पी से क्या हो गया, धीरे धीरे करके दूरियां आने लगी, और दूरियों से क्या हुआ, आपका रिलेशन जो है वो फेड अप हो गया, फेड हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये जान रहे हैं कि आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको इन्होंने समझा नहीं है, वैल्यू नहीं किया। यहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंडिकेट हो रही हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर? देखो, अगेन फोर ऑफ कप्स आया है। यहाँ पर भी फोर ऑफ कप्स था, ठीक है, स्प्रेडिंग की पहला ही कार्ड फोर ऑफ कप्स था, और यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए फोर ऑफ कप्स है। गिल्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है कि वाकई में इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि ना एक लंबा समय हो जाता है ना, तब हर इंसान की ना हिम्मत नहीं होती कि मैं उससे मैसेज करके बात करूं, करूंगा भी तो क्या करूंगा, क्या कहूंगा, क्या बोलूंगा। तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को बहुत सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो साइंस थे वो मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पर फोर ऑफ कप्स है, कलेक्टिव है वैसे तो सारे साइंस इंक्लूड होते हैं, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, ठीक है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एम्प्रेस आई थी, जेमिनी आई थी, और फोर ऑफ कप्स अगेन आया था, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, ये मैंने कहा था ना आपको कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, पेज ऑफ कप्स, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली आपको स्टॉक कर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि भाई ब्लॉक हो रखे हैं, नंबर डिलीट हो रखा है, वो मैटर नहीं करता। आज की डेट में कोई किसी को स्टॉक करेगा ना, तो फेक आईडी से भी कर सकता है, फेक नंबर से भी कर सकता है, जो मुझे यहाँ पर वही चीज़ दिख रही है। तो आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ लेते हुए भी दिख रहे हैं, यानी कि ये आपको मैसेज भी करना चाह रहे हैं। मैसेज तो बहुत डेस्परेट है इस चीज़ के लिए कि ये आपको मैसेज करें। ठीक है, यहाँ ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको मैसेज करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये भी जानते हैं कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप इनसे झगड़ा ज़रूर करोगे, बहुत ज़्यादा झगड़ा करोगे। ये भी कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को समझते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ी सी एक डिले का एक कारण हो सकता है कि मे बी आपके झगड़े से डर रहे हों और आपकी तरफ बढ़ ना रहे हों। तो ऐसा ना करना आप कि आप झगड़ा करें, ठीक है, क्योंकि इतना जब सेपरेशन का टाइम हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक ना वो भी ख़त्म हो जाती है, गुस्सा भी ख़त्म हो जाती है, तो उसको ख़त्म कर दो, मत रखो उसको। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? द स्टार, आपके पार्टनर, मैंने कहा ना, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, होपफुल हैं ये, और काफ़ी हद तक अपने इमोशंस को बैलेंस करके आते हुए मुझे दिख रहे हैं, और ख़ास तौर से ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। अभी तक अगर ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को लेते थे, माइंड गेम्स खेलना, दिमाग से सोचना, दिल को सुनना नहीं, दिल क्या बोल रहा है इनका, कुछ नहीं, तो अब कहीं ना कहीं इनका जो दिल है वो आपकी डिमांड करता हुआ दिख रहा है मुझे, कि ये आपकी तरफ एक डिमांडिंग में आ रहे हैं, क्योंकि इनका दिल आपकी डिमांड करता है, इनकी इंट्यूशन आपकी डिमांड करता है। तो कहीं ना कहीं ये वो रास्ता खोज चुके हैं कि ये आप तक किस तरीके से पहुंचेंगे। बस जो डिले हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँ, हिम्मत नहीं हो पा रही है। एक्वेरियस है ये, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया? दो कार्ड हैं, एक कार्ड लेना है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना ये बैलेंस कर रहे हैं अपनी इमोशंस को, अगेन ये इमोशंस को बैलेंस करता हुआ ही दिखा रहा है ये। जिस किसी से भी अगर राय ले रहे हैं,
उसने आपके बारे में अच्छा ही बताया है। ऑब्वियसली जो एस्ट्रोलॉजी या टैरो या किसी भी तरीके की जो प्रिडिक्शंस होती हैं, अगर उसमें किसी भी तरीके का कुछ भी आता है वो सच ही बताता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं से क्लैरिटी मिल रही है आपके रिगार्डिंग। ये किसी ना किसी तरीके का कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ भी रास्ता है और यहाँ भी रास्ता है, तो कहीं ना कहीं ये रास्ता खोज लेंगे कि आपकी तरफ किस तरीके से जाया जाए। यहाँ ये एनर्जीज आई हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनकी करेंट एनर्जीज में, इनके दिल में, इनके दिमाग में तो कहीं ना कहीं ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं, ऐसा ही ये कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ें मुझे एक सेकेंड, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। देख लेते हैं कि और क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में, ये और क्या सोच रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। क्या यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये मूव ऑन होना चाहते हैं मगर मूव ऑन नहीं हो पाते हैं, क्या ऐसा कुछ है? ओके, ठीक है, देखो मूव ऑन होना चाहते हैं मगर मूव ऑन हो नहीं पाते हैं। क्यों? मूव ऑन भी हो रहे हैं, दुखी भी हैं, तो यानी कि मूव ऑन नहीं होना चाहते हैं। जानते हैं कि ये कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मे बी आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से डील कर रहे हो, या फिर आपके कोई करीब रहता हो, आपके घर के करीब रहता हो, आप उससे डील कर रहे हो, मे बी आपके पड़ोसी हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पैशनेट है, फायरी एनर्जी है। अगेन यहाँ पर रास्ता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता ये ढूंढ लेंगे आप तक पहुँचने के लिए। जिस तरीके से ये मूव ऑन हुए थे तो ये मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। अगर आपके सेपरेशन को बहुत लंबा टाइम हो गया है, कुछ भी टाइम हो गया है, ज़्यादा भी हो गया है, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ, यहाँ पर आपके पार्टनर अभी भी आप में अटके हुए हैं, ये आपको भूल नहीं पाएंगे और भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि जब हम किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, वो चीज़ें भुलाई नहीं जाती जल्दी से, तो वही चीज़ आपके केस में मुझे यहाँ दिख रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स यूनियन चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ में देख रहे हैं, आप बहुत चेंज हो चुके हैं, आपने अपने अंदर बहुत से चेंजेस लेके आए हैं। ठीक है, यहाँ ये चीज़ मुझे दिख रही है, मैंने कहा था ना कि ये आपकी तरफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं आपसे मिलने के लिए, इनके अंदर पेशेंस नहीं है कि आपको ये मैसेज कर डालें। आज बहुत लोगों के केसेस में जिस तरीके से नाइट एक्शन का कार्ड होता है, और ये नाइट ऑफ सोर्ड्स है, और भाग भी कितनी तेज रहा है ये, ठीक है, इसने ना रास्ता देख रहा है ना कुछ देख रहा है, बस जहाँ इसे रास्ता मिल रहा है ये वहीं भागा जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे के अंदर, ठीक है, आपको मैसेज आ सकता है, बहुत से लोगों को मैसेज आता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में, बहुत पेन में है, मुझे ये चीज़ भी दिख रही है। आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, थर्ड पार्टी ने किसी ना किसी तरीके का ब्लैक मैजिक आपके पार्टनर के ऊपर कर रखा था, जिस वजह से आपके पार्टनर के अंदर इतने चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस है यहाँ पर, मून, ठीक है, इमोशंस को इंडिकेट करता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, हम ये चेक कर लेते हैं। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, हम ये चेक कर लेते हैं। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर, आपके इस कनेक्शन को लेकर क्या होगा? चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है इस रिलेशन को लेकर, आपको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। ठीक है,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स अगेन, यूनियन, यूनियन चाहते हैं, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पर एक मैसेंजर है, मैसेज करना चाहते हैं। मुझे बहुत से लोगों का 9 घंटे के अंदर मैसेज आता हुआ दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मैसेज कर सकते हैं या कॉल आ सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द टावर, सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। कोई चीज़ इनके सामने आई है या आपके इस रिश्ते की सच्चाई इनके सामने आ चुकी है कि आपका, आप दोनों का जो ये रिश्ता है ये सच में वर्थी है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं इन्हें पुश कर रहा है आपकी तरफ। यस, देखो प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, यानी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स पुश कर रहा है, ये आपकी तरफ रशिंग एनर्जी के साथ आएंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन, अगेन एक्शन का कार्ड है क्योंकि प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स नाइट ऑफ वॉन्ड्स होता है। ये जो ऑन एंड ऑफ इनका चलता रहता था आपके इस रिलेशन में, तो ये ऑन एंड ऑफ सबसे पहले उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। आएंगे स्टेबिलिटी के साथ आएंगे, आपको एक ऑफर देते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपके पार्टनर। नेक्स्ट है टू ऑफ वॉन्ड्स, आपको स्टॉक कर रहे हैं, मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पर अगेन स्टॉकिंग की एनर्जी है। आपको चूज़ करते हुए दिख रहे हैं, कोई दूसरी सिचुएशन ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि टावर जिस तरीके से आया और जिस तरीके से ये रशिंग एनर्जी के साथ आते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने वो दूसरी सिचुएशन ख़त्म कर दी है। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, ठीक है, अब थर्ड पार्टी अगर कोई रोमांटिक पार्टनर था, उसके लिए बोल रही हूँ, अदर थर्ड पार्टी नहीं, जो कई बार फैमिली होती है या कुछ होता है। रोमांटिक पार्टनर अगर था तो आपके पार्टनर अभी सिंगल हैं, इनकी लाइफ में कोई नहीं है, ये अकेले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर नंबर, ट्रिपल फोर बहुत बार आया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूनियन को इंडिकेट करता है फोर नंबर, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, और ये देख रहे हो कैसे ये एक संदूक है, ठीक है, ये संदूक है और ये क्या कर रहा है, उसकी चाबी लगा रहा है, यानी कि चोरी कर रहा है, खोल रहा है। इसके अंदर इतनी जिज्ञासा है कि इसके अंदर होगा क्या, क्या होगा इसके अंदर। तो ऐसे ही आपके पार्टनर के अंदर वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं आपको लेकर कि इतने बीच में आपकी लाइफ में हुआ क्या, क्या चला, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा बर्डन में है ये, इस तरीके का बर्डन हो सकता है कि रिलेशनशिप का भार सारा आपने उठाया। अब ये जो सेपरेशन हुआ, सेपरेशन के बाद इन्हें कर्मा मिला, सेपरेशन के बाद इन्हें रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने क्या करा है, किस तरीके की गलतियाँ की हैं, क्या खो दिया इन्होंने, तो ये सब चीज़ें ना एक साथ अपने माइंड में लेके चल रहे हैं, जिसका भार ये उठा नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगेन यहाँ पर जस्टिस है, बैलेंस का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप बहुत टाइम से यूनिवर्स से ये मांग रहे हैं कि मुझे जस्टिस दें आप, तो आपको जस्टिस मिलने वाला है आपके पार्टनर की साइड से, क्योंकि ये आपकी तरफ आएंगे और ये भी मैं बता दूँ ऑनेस्टी के साथ आएंगे, ठीक है। यहाँ ये चीज़ दिख रही है, एट ऑफ पेंटिकल्स, ये अभी पिछली रीडिंग में भी बहुत बार आया था, एट ऑफ पेंटिकल्स सच में वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है। और मैंने अभी आपको बोला ना, आपके जो पार्टनर हैं किसी तरीके का या फिर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, कोई हीलर या कोई टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर, स्पेल की भी एनर्जी आई है। तो आप यहाँ देखो, ये स्टार्स बना बना के रख रहा है, ठीक है, मगर यहाँ पर ये एक जैसे बहुत गर्म चीज़ होती है ना, उससे स्टार बना रहा है पत्थर पे, और स्टार हमारे स्पेल्स में यूज़ होता है। तो कुछ नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव में ही कर रहे हैं स्पेल, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है थ्री ऑफ सोर्ड्स, अगेन आया है, उसमें भी बॉटम ऑफ द डेक में, इससे पहली स्प्रेडिंग में भी बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ सोर्ड्स आया था, मगर वो जो थ्री ऑफ सोर्ड्स थे उसमें नीचे थे, थर्ड पार्टी उसमें बताई जा रही थी, थर्ड पार्टी यहाँ पर भी बताई जा रही है, मगर यहाँ एक चीज़ है, सोर्ड्स देखो ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। हाँ, इनका दिल अभी भी दुख में है, पेन में है, वो दुख इस चीज़ का है क्योंकि इन्होंने जो अपने ऊपर बर्डन ले रखा है ना आपके सेपरेशन का,
वही ना महसूस हो रहा है, महसूस कर सकते हैं ये, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ साइंस बता दे रही हूँ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन टावर पाइसिस और लियो हैं, सेजिटेरियस भी बोल सकते हैं, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस, टू ऑफ वॉन्ड्स में भी सेम फायर साइन है, और फोर ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टेन ऑफ वॉन्ड्स में एरीज हैं, जस्टिस लिब्रा हैं, और एट ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो भी दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनके नेक्स्ट सेक्शन में तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ओके, इनकी साइड से लव मैसेजेस मैं देख लेती हूँ, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। पहले मैं यहाँ से देखूँगी, रोमांस ऑरेकल से भी मैं देखती हूँ और आपको बताती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं। हनीमून यहाँ पर इस तरीके से भी रिलेट कर सकता है कि मे बी आप दोनों के बीच में अगर किसी तरीके की कोई केमिस्ट्री क्रिएट हुई थी, ठीक है, क्लोज आए थे, तो वो लम्हे याद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और ये भी दिख रहा है कि अगर आपकी मीटिंग होती है तो आप दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, ये भी चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं, सोलमेट, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन था ये कि क्या हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है, तो यस, दिस इज़ योर सोलमेट। ठीक है, आपका इनसे दिल का गहरा रिश्ता है, ये यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, ये एंजल गाइडेंस है एक तरीके से। ठीक है, लव ऑरेकल से यहाँ पर है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, अगर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, आप दोनों के हैं, तो मे बी शायद वो आपको हेल्प कर रहे होंगे, चांसेस बहुत कम हो सकते हैं कि म्यूचुअल फ्रेंड्स हों। ठीक है, या फिर आपका कोई फ्रेंड या उनका कोई फ्रेंड इस रिलेशनशिप को ठीक करने में या आप दोनों को करीब लाने में मदद कर सकता है आप लोगों की। ठीक है, ये आपका भी फ्रेंड हो सकता है, उनका भी फ्रेंड हो सकता है, ये चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, पैशन, मैंने कहा ना आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, या आप दोनों के बीच में, ये कार्ड देखो कितना एक दूसरे के क्लोज हैं, कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि अब मैं ये नहीं कह रही कि एक फ़िज़िकल रिलेशंस के वजह से ही कोई अट्रैक्ट होता है, फिर तो वो प्यार नहीं होता, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा। अगर पैशन है तो लव भी दिख रहा है यहाँ पर, दोनों चीज़ें बैलेंस में है, और जहाँ लव है वहाँ पैशन होता ही होता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से ऐसे नहीं कह सकते हैं, और ये भी एक तरीके का पार्ट है। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये चीज़ें प्लान होके नहीं होती हैं, अचानक से हो जाती हैं। ठीक है, जो प्लान करके चीज़ें करी जाती हैं वो लव नहीं होता, वो फिर आप अपना लस्ट पूरा कर रहे हो। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, अगर किसी तरीके के कोई आपके इश्यूज़ हैं, जैसे समटाइम्स क्या होता है ना, हमारे खुद के इश्यूज़ होते हैं, फिर वो हमारे रिलेशनशिप पे भी असर डालते हैं, तो वो मत आने दो, दोनों के लिए है ये। ठीक है, और देख लेते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, अब की बार अगर आप दोनों की मुलाकात होती है, आप तो दिल से करेंगे, मगर ये आपके पार्टनर के लिए एडवाइस है, वो भी दिल से करें, अगर वो छल के साथ करेंगे तो ये रिलेशनशिप फिर टूटेगा और फिर पेन होगा, फिर पता नहीं सेपरेशन आएगा और फिर कब यूनियन होगा, डोंट नो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिल से अपनी जो भी है, दिल से बात करें, सच्चे दिल से बात करें, अगर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होंगी तो चीज़ें ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं। अगर आप ऑनेस्टी के साथ एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताते हैं तो चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। फ्लर्ट, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, ये आप दोनों क्लोज आ चुके हैं और आपके पार्टनर उन चीज़ों को याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से मैसेजेस देख लेती हूँ, बहुत जल्दी हो रही है इसे निकलने की। आपके पार्टनर की साइड से लव मैसेजेस चेक कर लेते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, माई सेंस स्टॉप व्हेन आई सी यू,
माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू। जब ये आपके सामने आते हैं ना या आपको देखते हैं, जैसे आप दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, जैसे ही आप इनके सामने आते हैं ना तो इनका ना दिमाग काम करना बंद कर जाता है, ये सिर्फ आपको ही देखते रहते हैं। और चाहते तो हैं, जब तक आप आए नहीं होते हो या आप उनके सामने नहीं आए होते हो, तब तक इनका दिमाग चलता है, मेरे को ये भी क्वेश्चन करना है, मुझे ये भी क्वेश्चन करना है। जैसे आप इनके सामने जाते हैं तो ये ब्लैंक हो जाते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। नो वन टेक एवर सॉरी नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। कोई भी मेरे दिल में जगह नहीं ले सकता, सिर्फ तुम ले सकती हो। ये एक तरीके से ये वाला मैसेज ना, आपके पार्टनर सच में किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए हैं, ठीक है, आपके अलावा, तो अभी इन्हें पता चल चुका है क्योंकि इन्होंने कंपेयर करा है, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी थी वो सब इन्हें यूज़ करके चली गई। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, ये अधूरे हैं आपके बिना, ठीक है। अरे इतनी तेज तेज क्यों आ रहे हो। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। जब भी ये सोते हैं या आंखें बंद करते हैं तो आपके सपने इन्हें परेशान करते हैं या आते हैं, परेशान इन द सेंस बुरे में नहीं, पॉजिटिव में। यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटिफुल, आई लव बींग विद यू। जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मेरा संसार बहुत खूबसूरत है और अच्छा फील करते हैं ये। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, ठीक है, ये आपको भूल नहीं सकते, ये चीज़ मैंने अभी आपको बोली भी थी। और वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स, ये चाहते हैं कि आप दोनों घंटों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे रहें, एक दूसरे को महसूस करें और कुछ बोले ना, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स, ये कुछ बोलना नहीं चाहते, सिर्फ आपको फील करना चाहते हैं। सम पीपल डोंट वॉन्ट टू सी अस टुगेदर, कुछ लोग हैं, ऑब्वियसली थर्ड पार्टी आई है, कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते, ठीक है। ओके, आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू। मैं अपनी लाइफ को एडजस्ट नहीं कर सकता, मतलब जैसे कहते हैं ना कि काम चला लेंगे, जी लेंगे, मर लेंगे, ऐसा हो जाएगा उसके बिना, ये अपनी लाइफ को आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं, बिल्कुल ही, ठीक है। आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव, प्यार के अलावा भी मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं जिसका तुम्हें बता नहीं सकता। टेन ऑफ वॉन्ड्स आई थिंक इस वजह से ही आया था, आई विल वेट फॉर यू, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कार्ड्स तो अच्छे आए, ठीक है। एनीवेज ये थी आज की रीडिंग, कितनी आपसे रिलेट हुई आप मुझे बता सकते हैं। टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं मैं उस टॉपिक पे आपके लिए रीडिंग ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। और करेंट एनर्जीज तो मेरी चलती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को यही सोचना होता है इस वक्त वो क्या सोच रहा होगा या सोच रही होगी, उसके दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा होगा, क्या वो मुझसे सच में प्यार करता है नहीं, अच्छा क्या वो मुझसे सच में प्यार करता है या नहीं, ये मैं नेक्स्ट टॉपिक लूँगी, बाकी आप टॉपिक मुझे बता देना, ठीक है। चलिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।